हे गाइस, मैं हूं शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस DIY यानी डू इट योरसेल्फ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 50 रुपए में आप इस प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट को बदल सकते हैं बड़े साइज के शानदार ग्रोइंग कंटेनर में, जो बड़े पौधे या लौकी, गिलकी, करेले जैसी बेलों को उगाने के लिए बेस्ट कंटेनर होगा। साथ ही आप जानेंगे कि इस तरह के बड़े कंटेनर्स के लिए कैसे बेस्ट और लाइटवेट सॉइल मिक्स बनाया जाता है और कैसे अलग अलग मटेरियल्स की लेयर बनाकर इस तरह के गमलों को भरा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने घर के गार्डन में अपने हाथों से ताजा फल और सब्जियां उगाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के पास इस तरह के गार्डन्स बनाने के लिए जगह की कमी होती है, इसलिए उन्हें गमलों में पौधे लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि मेरी तरह आप भी गमले में गार्डनिंग करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। छोटे या मीडियम साइज के गमलों में शो प्लांट्स और थोड़ी बहुत हरी सब्जियां आसानी से लगाई जा सकती हैं, लेकिन लौकी, गिलकी, करेला, खीरा जैसी बेलों और फलों के बड़े पौधे लगाने के लिए बड़े साइज के कंटेनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जड़ें काफी ज्यादा फैलती हैं और अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इन्हें ढेर सारी मिट्टी चाहिए होती है। यदि इन्हें छोटे गमलों में लगा भी दिया जाए तो इनमें सब्जियां ना के बराबर आती हैं। दोस्तों, बड़ी साइज के गमले काफी महंगे भी होते हैं। इस तरह के 24 इंच चौड़े और 18 इंच गहरे प्लास्टिक के गमले की कीमत लगभग 500 रुपए होती है। तो आइए देखते हैं कैसे बदला जा सकता है एक फ्रूट क्रेट को एक बड़े ग्रोइंग कंटेनर में। इस DIY प्रोजेक्ट के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1, एक प्लास्टिक का पुराना फ्रूट क्रेट। नंबर 2, मोटी प्लास्टिक की शीट। नंबर 3, 2 इंची डक्ट टेप। और नंबर 4, काटने के लिए कैंची। दोस्तों, मैंने प्लास्टिक की इस पुरानी फ्रूट क्रेट को स्क्रैप मार्केट से 40 रुपए में खरीदा है। इसकी लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 21 इंच और गहराई 15 इंच है। अब कंटेनर के 3 साइड्स की लंबाई नापकर इस लंबाई के हिसाब से प्लास्टिक शीट को काट लीजिए। अब शीट के एक किनारे को कंटेनर के एक किनारे से टेप के साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब इस क्रेट के अंदर के हिस्से में शीट को इस तरह से बिछाना है कि कंटेनर के 3 साइड्स के छेद कवर हो जाएं। अब आप शीट के दूसरे साइड को भी टेप से चिपका दीजिए। बचे हुए दोनों साइड्स का भी नाप लेकर शीट को काट लीजिए और इसी तरह से चिपका दीजिए। अब अंदर की तरफ से शीट के सारे खुले हुए हिस्सों को एक दूसरे से टेप से चिपका दीजिए। हमने इस फ्रूट क्रेट के अंदर के पूरे हिस्से को प्लास्टिक शीट से कवर कर लिया है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में ड्रेनेज के लिए कुछ होल्स बना देते हैं। और लीजिए, हमारा बड़ा कंटेनर बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी तली में छोटे पत्थरों को डालकर 2 इंच की लेयर बना लेते हैं ताकि कंटेनर से पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो सके। अब इन सड़ते हुए सूखे पत्तों में थोड़ी परलाइट मिलाकर एक परत और बना लेते हैं। जब पौधे की जड़ें बढ़ते हुए नीचे की तरफ पहुंचेंगी तो ये सड़ती हुई पत्तियां कंपोस्ट का काम करेंगी और पौधे को न्यूट्रिशन देंगी। साथ ही ये परत कंटेनर से पानी के साथ मिट्टी को बहने से भी रोकेगी। दोस्तों, इस तरह के बड़े कंटेनर्स के साथ 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। एक तो इनके भारी वजन के कारण इन्हें एक से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल होता है, और दूसरा इससे छत पर अतिरिक्त वजन पड़ता है। इसलिए हम इसमें लाइटवेट सॉइल मिक्स भरेंगे। अपने घर पर ही लाइटवेट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट 40%, गार्डन सॉइल 20%, परलाइट 10%। साथ ही इसमें मिलाना है 2 मुट्ठी बोन मील पाउडर और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, जो नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये सब आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप या नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। अब कंटेनर में रेत की एक पतली लेयर बना लेते हैं। आधे कंटेनर को इस हल्के भुरभुरे सॉइल मिक्स से भर देते हैं। अब इस पर सड़ती हुई पत्तियों की एक और लेयर बनाना है। इस तरह से कंटेनर में अलग अलग तरीके के लेयर्स बनाने का मकसद है बढ़ते हुए पौधे को सूक्ष्म जीवों से भरपूर पोषक जैविक मिट्टी देना और पौधे की जड़ों को असली जमीन की तरह अलग अलग परतों वाला ग्रोइंग एटमॉस्फेयर देना। अब इसमें अच्छी तरह से 2-3 बार भरपूर पानी देना है तब तक जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर न निकलने लगे। कंटेनर में रोजाना पानी दीजिए, इससे इसकी मिट्टी में माइक्रोबियल लाइफ शुरू हो जाएगी और लगभग 15 दिनों के बाद ही इसमें पौधा लगाइए। मिट्टी के मुकाबले लाइट वेट सॉइल मिक्स काफी हल्का होता है। हल्के वजन के कारण कंटेनर का हैंडल पकड़कर इसे एक से दूसरी जगह ले जाना भी काफी आसान होता है। दोस्तों, मैंने 15 लीटर की ऑयल कैन से इस तरह के कुछ मीडियम साइज के कंटेनर्स भी बनाए हैं। ये प्लास्टिक कैन मैंने कबाड़ वाले से 20 रुपए में खरीदी थी। इसे मैंने शार्प कटर से एक तरफ से चौकोन काटकर दूसरी तरफ कुछ ड्रेनेज होल्स बना लिए। ठीक फ्रूट क्रेट की तरह इसमें भी मैंने लेयर्स में मिट्टी भरी है। लंबाई में पॉट बनाने के लिए मैंने ढक्कन के साथ इसका ऊपरी हिस्सा काटकर अलग कर दिया है और इसकी तली में कुछ ड्रेनेज होल्स बना लिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपने घर पर ही कबाड़ से इस तरह के शानदार और सस्ते ग्रोइंग कंटेनर्स आसानी से बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।